गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि 5 बजे शाम को हम लोगों की ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो देखिए, हम लोगों का पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है, जो थोड़ा बहुत बाकी है वो एक आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर तूतून का आज ऑनलाइन क्लास भी है। ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग आई थिंक 2 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग गाड़ी पे है। अभी ये हम लोग डीमार्ट क्रॉस कर रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा बहुत मतलब टेंशन है हम लोगों को, अभी जब तक ट्रेन नहीं पकड़ेंगे तब तक थोड़ा बहुत तो टेंशन रहता ही है। ट्रेन पे चढ़ने के बाद फिर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और सब कुछ मतलब मास्क वगैरह पहन के सब कुछ सेफ्टी भी ध्यान में रख के ही सब कुछ काम करना पड़ता है। देखिए, तूतून सो गई है गाड़ी पे और अरिंदम बहुत सीरियस लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोगों को थोड़ा निकलते निकलते लेट हो गया है और 5 बजे जो ट्रेन, हम लोगों का जो ट्रेन है वो 5 बजे उसका डिपार्चर टाइम है, मतलब 5 o'clock तक वो स्टेशन लीव कर देगा। इसके पहले हम लोगों को ट्रेन पे चढ़ना है, तो इसके लिए थोड़ा हम लोग टेंशन भी है। और देखिए, आसमान में बादल भी बहुत है, पता नहीं रास्ते पे शायद बारिश भी मिलेगा हम लोगों को। तो सब कुछ मिला के माहौल थोड़ा सा सीरियस है, बट देखते हैं, पहुंच तो जाएंगे। बट वो होता है ना, थोड़ा सा नर्वसनेस काम करता ही है जब तक स्टेशन पे आप मतलब गाड़ी पे चढ़ ना जाओ, तब तक तो ये रहता ही है। फाइनली हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं और हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह जो है वो भी अपनी अपने हिसाब से ठीक ठाक करके सेट करके रख दिया है। थोड़ा सा अभी रिलैक्स फील कर रहे हैं, तूतून भी कुछ कर रही है और अरिंदम भी अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, बहुत टेंस थे वो, बट अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ, हम लोग दिल्ली उतर चुके हैं, देख रहे हैं दिल्ली का जो मतलब नज़ारा है। सामने मैंने आप लोगों को दिल्ली, न्यू दिल्ली जो स्टेशन है वो आपको दिखाया। और आज है 15th August, तो पता नहीं रास्ते पे दिल्ली का रास्ता कौन कौन सा रास्ता बंद रहेगा, कहाँ कहाँ से एंट्री रहेगा, कहाँ एंट्री नहीं रहेगा, वो तो पता नहीं। मेरे देवर आए हैं गाड़ी पे, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं, अभी रास्ते पे ही है। तो रास्ते पे जाते वक्त दिल्ली का जो थोड़ा बहुत नज़ारा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा देखिए। और अभी देख रहे हैं रास्ता मतलब बहुत ही खाली खाली जैसा है, इतना कुछ। एक तो कोविड का, कोविड के सिचुएशन के लिए भी बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे है और ऊपर से आज 15th August है, तो ये देखिए, ये पूरा शॉप पूरा भरा रहता है, खुला रहता है। आज पूरा बंद है सब कुछ, पूरा रास्ता अभी मोस्टली खाली रहता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता इतना खाली तो रहता नहीं है दूसरे टाइम पे, दूसरे दिन। आज सब दुकानें शॉप्स वगैरह बंद है, रास्ता वगैरह पूरा खाली है, पब्लिक जो है बहुत ही कम निकले है क्योंकि बहुत सारे रोड भी रोड में भी नो एंट्री है आज के दिन के लिए। एक या दो ही रास्ते ज़्यादातर खुले है नॉर्मल पब्लिक के जाने आने के लिए। अभी एक्चुअली आ रहे थे, हम लोग यही सोचा था कि 15th August को हम लोग उधर दिल्ली में उतरेंगे तो फिर रोड वगैरह कितना क्या ब्लॉक मिलेगा, तो देखते हैं अभी। और ये गया इंडिया गेट, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखने को मिलेगा, बाकी भी ये क्योंकि गाड़ी पे है ज़्यादा तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, तो देखिए फिर कैसा क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल हम लोग इतना थक चुके थे कि कुछ भी और शूट नहीं कर पाए। आज मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ
अभी सुबह है और मेरी देवरानी किचन में बिजी है और मेरे देवर आज बना के खिलाएंगे मटन भुना गोश्त। तो चलिए वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन भुना गोश्त। उसके लिए हमने ले लिया है 1.5 किलो मटन और हमने लिया है स्पाइसेस, होल स्पाइसेस। इसको हम करेंगे फ्राई, हल्का फ्राई करके तवा में फिर उसको हम पीसेंगे। इसमें है 6 लाल साबुत लाल मिर्च, ये है आपका लौंग, 6-7 लौंग, ये है नटमेग छोटा टुकड़ा, ये है आपका दालचीनी, ये है तेजपत्ता, ये है 3 बड़ी इलायची, ये है आपका अजवाइन, ये है आपका जयित्री, ये है आपका ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची, और ये है 20-25 पेपर कर्न। अभी हम इसको करेंगे हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसको पीस के एक हम इसका पाउडर बनाएंगे। अभी हम बता देंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा। ये बारीक कटी हुई प्याज, ये जुलियन कट अदरक, ये है लहसुन और 2 ये लहसुन का पूरा टुकड़ा, ये 2 लेना है हमें। और हमें लेना है ये हम कार्ड है, ये हम देंगे। और हमें मसाला में देना है लाल मिर्च 2 चम्मच और धनिया 2.5 चम्मच, ठीक है। वो हम बाद में ऐड करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसको इधर कर दो, इसको यहाँ पे मत करो, इसको यहाँ कर दो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, इसे बंद कर दो। फिर इसको हम पोंछ लेते हैं। हाँ तो डालो हाफ कप भुजिया, मेरा तेल बजा देखेंगे। अभी ये तेल गरम हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे प्याज, इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई अदरक और लहसुन हम डाल दें इसमें। ये भी फ्राई होगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो रहा है, ये हम तब तक फ्राई होने देंगे। इसमें हम 2 लौंग भी डाल दिए हैं, लहसुन का पूरा 2 टुकड़ा डाल दिए, ठीक है। ये भी साथ में जाएगा, ठीक है। ये भी ब्राउन हो जाएगा और ये थोड़ा बिगड़ जाएगा, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अभी हम इसमें डालें
जो मसाला था खड़े मसाला जो हम लोग पीस लिए थे उसको हम लोग इसमें डाल दिए। हम अभी मसाला को पकाएंगे। उसको हम 5 मिनट पकाने के बाद हम मटन को इसमें डालेंगे धीरे धीरे। इससे क्या होगा, मसाला पक जाएगा पूरा। अभी इससे ऑयल अलग सेपरेट हो जाएगा, तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अभी यहाँ से ऑयल अलग हो जाएगा और पानी ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। ये नरम हो चुका है। अभी हम इसमें देंगे 1 चम्मच हल्दी। एक चम्मच लाल मिर्च। देंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर। ठीक है, अभी हम इसको मिला लेंगे। इधर रोटी भी तैयार हो रहा है, हम इसको रोटी से खाएंगे। आप लोग नान या रुमाली रोटी से भी खा सकते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। चलिए आप लोग टेस्ट करके बताना हम लोगों को। अभी हम इसे चलाएंगे। अभी तो इसका एक हमारा मटन भुना था तो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अभी हम 2 चम्मच घी डाले इसके अंदर और हम ऊपर से गार्निश कर दिया थोड़ा। और एक चीज़ जिसके बिना हमारा कोई भी मतलब नॉन वेज आइटम अधूरा रह जाते हैं वो है थोड़ा सा कुटी हुई गरम मसाला, जो इसमें मतलब ये इसके बिना मतलब हर चीज़ में मैं डालती हूँ, क्योंकि इसमें फ्लेवर इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। मतलब इसमें अगर अब ये ऑप्शनल है तो
अगर आप चाहे तो घी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये भी ऑप्शनल है कि अभी ये जो इसका थिकनेस है और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसको बना सकते हैं। और बन गया हमारा ये मटन भुना गोश्त। और ये पकिस्तान और हम इसको ठीक करेंगे, ग्रेवी को कम कर देंगे। बन गया हमारा मटन भुना गोश्त। देखिए इसका ऑयल अलग हो रहा है और इसका ग्रेवी भी हो गया, काफ़ी थिक हो गया। ये जो हमने बनाया ये बिना पानी का बनाया है, इसमें हम पानी नहीं डाले। बस ये बन जाएगा, फिर हम इसको रोटी के साथ खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा।